Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Asharuzzaman Khan from Government Muslim Science College, Hyderabad. We were discussing equations reducible to the quadratic equations. और उसमें हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स हमने डिस्कस की थी. अब हमारे पास जो फॉर्म है जिसमें हमारे पास ऐसी इक्वेशंस मौजूद हैं जिसमें रूट साइन हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और इसको हम इसमें हम ये होता है कि हमारे पास अगर हम सॉल्यूशन भी आ जाए तो हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं. अगर वो वेरिफिकेशन में पूरे नहीं उतरते तो फिर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं उन वैल्यूज़ को, और सिर्फ वही वैल्यू रखते हैं जो वेरीफाई होती हैं, आंसर को वेरीफाई करती हैं. तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करने जाते हैं. ज़रा देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं. नाउ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है रूट ऑफ 2x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 1. सो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हमारे पास रूट साइन के अंदर मौजूद हैं. फर्स्ट इज टू रूट ऑफ 2x प्लस 7 और सेकंड इज रूट ऑफ x प्लस 3. तो हम किसी भी एक वैल्यू को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, और ये यहाँ पॉजिटिव है तो इट विल बी नेगेटिव साइन, और ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगी. तो हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास एक तरफ आ जाएगा रूट ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ x प्लस 3. तो अब हम जब भी रूट साइन के साथ कोई भी इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही हो तो हम उसमें स्क्वायरिंग करते हैं. तो हमने स्क्वायरिंग कर लेनी है दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. तो हाउ कैन वी डू दिस, अगेन वी कैन सी फर्दर. हेयर आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी हैव पुट अप द स्क्वायर on the both sides. First of all, over here root of 2x plus 7 whole square and is equal to 1 minus root of x plus 3 whole square. So this square will cancel out this root sign, because we know that the root sign is actually the power half of any variable. So this is half power will cancel out by the 2. So 1 minus x plus 3 whole square, 1 minus x plus root of x plus 3 whole square will be open up with the help of formula, that is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Here a is equal to 1, this one, and b is equal to root of x plus 3. We will open up with the help of formula, and then what we'll see in the next step. So by applying the a minus b whole square formula, this is this will 2x plus 7 is exactly there, and 1 whole square minus 2 into 1 and root of x plus 3 plus root of x plus 3 whole square, because a is 1 and b is root of x plus 3, a square minus 2ab plus b whole square. So we will simplify it further. So 2x plus 7, 1 square means 1 minus 2 into root of x plus 3, and square से ये root cancel हो जाएगा तो x plus 3 रह जाएगा. x 3 plus 1 is equal to कितना हो जाएंगे, 4. तो ये x जाके shift हो जाएगा वहाँ दूसरी तरफ जाके 2x से minus हो जाएगा. तो 2x minus x and 3 plus 1 4 will be subtracted from 7. 7 minus 4 is equal to minus twice of root of x plus 3. So ये हमारे पास बच जाएगा. तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज होगी ज़रा देखें. सो एज वी हैव मैंशन अर्लियर दैट इज 2x माइनस x एंड 7 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3. तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस x इज इक्वल टू x माइनस 2 रूट ऑफ x प्लस 3. अगेन वी विल स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, वी विल हैव स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज वी हैव ओवर हियर रूट ऑफ x प्लस 3 लेफ्ट ओवर हियर. सो वी विल अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ x प्लस 3 विल बी ओपन अप विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर. So over here a is x, b is equal to 3. So we will open up with the help of formula, that is x whole square plus 2 formula ka hamare paas hai. X a hai hamare paas, b hamare paas 3 hai, and plus 3 ka whole square.
एंड ऑन द अदर हैंड साइड ऑन द राइट हैंड साइड माइनस टू का होल स्क्वायर दैट इज फोर एंड रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस थ्री, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. फर्दर सिंप्लीफिकेशन दैट इज एक्स स्क्वायर, टू थ्री जो सिक्स एक्स, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, फोर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे फोर थ्री जो ट्वेल्व. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, फोर एक्स यहाँ से शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये माइनस के फोर एक्स हो जाएंगे और प्लस के नाइन ये मौजूद है और प्लस के ट्वेल्व यहाँ आके माइनस ट्वेल्व हो जाएंगे इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी. लेट्स सी फर्दर. After simplification, we have a quadratic equation that is x square plus 2x minus 3 is equal to 0. So by factorization, we can factorize it. Also, we can use the quadratic formula to solve it. So, जो आपकी मर्जी में आए, जिसको आप easy तरीके से कर सकते हैं, वो apply करें. मैं यहाँ quadratic use करूँगा ताकि आपको quadratic का तरीका भी आए. मैं यहाँ factorization का method use करूँगा ताकि आपको factorization भी आए. So, x square. अब हमारे पास x square का coefficient है 1. अगर कुछ नहीं है तो 1 है और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसकी माइनस 3. तो 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3. तो 2 को ये मिडिल टर्म को जब हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि जब हम उसको उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 3 आ जाए और जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 2 आ जाए. तो इस 2 को दो नंबर्स में हमने ब्रेक करना है बाय फैक्टराइजेशन. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 जा 3 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2. सो 3 माइनस 1 इज द फैक्टर. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एंड वट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी. सो ओवर हियर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस एक्स माइनस 3, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स में एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 3 विल बी रिमेन इनसाइड द ब्रैकेट. ओवर हियर माइनस एक्स माइनस 3 में माइनस 1 कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन जब निकाल लिया तो हमारे पास दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी. एक्स प्लस 3 विल बी रिमेन इन द ब्रैकेट इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 1 मिलाकर एक ब्रैकेट बनाने के लिए बना लेंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 विल बी द सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा जो कि कॉमन ब्रैकेट है इक्वल टू 0. और जब भी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो हम कहते हैं कोई सी एक वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है. या तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए इज इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0. हम दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर रख लेंगे. सो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ओवर हियर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो एक्स माइनस 1 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे, एक्स प्लस 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे. माइनस 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके दूसरी तरफ जाके 0 से प्लस हो जाएगा. तो x इक्वल टू 1 इज़ द वैल्यू ऑफ x. x प्लस 3 यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, वहाँ जाके दूसरी तरफ 0 से माइनस हो जाएंगे. तो 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, दैट इज x इक्वल टू माइनस 3. इन वैल्यूज़ ये वैल्यू अभी सॉल्व हो गए हैं, ये वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि सॉल्यूशन सेट का हिस्सा कौन सी वैल्यूज़ होंगी. तो हम इनको बारी बारी जो है वो क्वेश्चन में रख के देखेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे. So for the verification over here, we have put up the question over here that is root of 2x plus 7 plus root of x plus 3 is equal to 1. So just putting x equal to 1, what will happen over here? 2 into 1 plus 7, 1 plus 3, root of 1 plus 3 is equal to 1. So 7 plus 2 is equal to 9 ho jayenge, root of 9 is equal to 3 ho jayenge. Isi tarah 1 plus 3 is equal to 4 ho jayenge, root of 4 is equal to 2 ho jayenge. 3 plus 2 is equal to 5 ho jayenge. बट 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1. तो ये वैल्यू जो है वो x की इक्वल टू 1 वैल्यू पर यह हमारे को एक कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है, दैट इज़ 5 इज़ इक्वल टू 1 बट 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1. सो दिस वैल्यू इज़ नॉट वेरीफाइड. सो x की जो वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 विल बी डिस्कार्टेड एंड इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. So we are going to verify the next value, that is x equal to minus 3. So we are going to verify the next value, that is x equal to minus 3. We will put up into the question, that is root of 2x plus 7 plus x root of x plus 3 is equal to 1. So we are just putting, instead of x we are putting x equal to minus 3. So 2 into minus 3 plus 7 plus minus 3 plus 3 equal to 1.
सो रूट ऑफ माइनस सिक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू वन रूट ऑफ वन एंड माइनस थ्री प्लस थ्री रूट ऑफ इज इक्वल टू रूट ऑफ जीरो एंड रूट ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन वन इक्वल टू वन वेरीफाइड हो जाएगा ये हमारे पास. तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. सो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर होगा. तो x की वैल्यू माइनस थ्री ने इस पूरे क्वेश्चन को वेरीफाई किया, तो इट इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस थ्री, दैट इज द आंसर. दिस कंप्लीट्स आवर वीडियो लेक्चर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अल्लाह हाफिज़.